नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के टाइम में हमारे देश में आप कोई भी न्यूज़पेपर, टीवी चैनल या सोशल मीडिया को देखें दोस्तों आपको पता है हमारे देश में 30-40% मामले महिला उत्पीड़न और महिला अत्याचारों से जुड़े हुए हैं। अगर बात करी जाए नेशनल क्राइम ब्यूरो की तो हमारे देश में महिला उत्पीड़न और महिला अत्याचारों का मामला जो है उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आज हर आदमी के दिमाग में है कि इन अत्याचारों को कैसे कम किया जाए, तो आज हम हमारे चैनल में बात करेंगे उन सेफ्टी टिप्स की जो हमारे देश की हर महिला और हर औरत को पता होनी चाहिए, खासकर कि जब वो अकेले ट्रैवल कर रही हो या अकेले स्टे कर रही हो। तो दोस्तों जानते हैं हम हमारी ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो कि हम अपने बचाव के लिए यूज कर सकते हैं और वो सेफ्टी टिप्स कौन सी है देखते हैं। दोस्तों क्या करें अगर आप रात में किसी ऑटो या टैक्सी से जा रहे हैं। दोस्तों रात में कभी भी आप ट्रैवल करें तो उस ऑटो या टैक्सी का नंबर नोट कर लें और अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को ऑटो का नंबर दें और ऑटो के रूट को बताएं कि वो किस रूट से जा रहा है। दोस्तों अगर किसी कारणवश आप अपने फैमिली मेंबर्स को फ़ोन नहीं लगा पाते हैं तो आप फ़ोन करने का नाटक करें। नाटक करने से ये होगा दोस्तों कि ऑटो वाले को ये रहेगा कि ऑटो की जानकारी अपने परिचित या मित्र को दी जा रही है। इस स्थिति में ऑटो वाला आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा और आपको सुरक्षित घर पहुंचाएगा। दोस्तों क्या करें अगर कोई ड्राइवर सड़क बदलकर आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। दोस्तों इस स्थिति में आपको तेजी से अपना पर्स या दुपट्टा निकालकर ड्राइवर की गर्दन में डालना है और लपेटकर गर्दन को पीछे की तरफ पूरी ताकत से खींचना है और तब तक दबाकर रखें जब तक ड्राइवर अपने आप को लाचार महसूस ना करने लगे। यदि आपके पास पर्स और दुपट्टा नहीं है तो आप ड्राइवर की कॉलर को पकड़ें और पीछे की तरफ खींचें और उसकी गर्दन को अपने हाथों में जकड़ कर रखें और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दें कि बचाओ बचाओ बचाओ, आपको किडनैप किया जा रहा है, ऑटो वाला रास्ता बदल कर ले जा रहा है। वह आपको तुरंत छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएगा और आपको तुरंत वहां से छोड़ देगा। दोस्तों क्या करें यदि कोई रात को आपका पीछा कर रहा है। इस स्थिति में आपको जल्द से जल्द किसी घर या दुकान में जाना होगा और वहां किसी फैमिली मेंबर को अपनी स्थिति के बारे में बताना होगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है। और अगर आपको कोई घर दुकान नज़र नहीं आए तो आपको किसी भी नज़दीक के एटीएम में जाना होगा। दोस्तों हर एटीएम पर कोई ना कोई गार्ड ड्यूटी पर हमेशा रहता है और एटीएम में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जो कि पीछा करने वाले की सबसे बड़ी कमी है और अपनी पहचान छुपाने के चक्कर में वो वहाँ से चला जाएगा। दोस्तों क्या करें जब आप देर रात लिफ्ट में किसी अजनबी के साथ हों। दोस्तों अगर देर रात आप किसी ऊंची बिल्डिंग की लिफ्ट में किसी अजनबी के साथ जा रहे हो तो इस स्थिति में आपके फ्लोर तक पहुंचने तक जितने भी बटन आपके लिफ्ट में आपको दिख रहे हैं वो दबा दीजिए। जैसे आपको 11वीं मंजिल पे जाना है तो आप रास्ते में पड़ने वाले 2, 4, 5, 7 बटन को दबा दीजिए। लिफ्ट दूसरे चौथे और पाँचवें फ्लोर पर रुकती हुई जाएगी और कोई भी आप पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों क्या करें जब कोई अजनबी आप पर घर में अकेला होने पर हमला कर दे। दोस्तों इस स्थिति में आपको दूसरे कमरों में जाने की बजाय आपकी किचन में जाना ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको वहाँ पर आपकी सेफ्टी की चीज़ें जैसे लाल मिर्च पाउडर, चक्कू, बेलन, प्लेटें इत्यादि मिलेगी और ये सब चीज़ें आपको ही पता होती है कि किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। यदि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो तुरंत आप प्लेटें बर्तन जोर जोर से फेंकने लग जाएं और चिल्लाना शुरू कर दें। दोस्तों याद रखिए शोर और चीखना हमलावर की सबसे बड़ी कमजोरी है क्योंकि वह कभी भी पकड़ा नहीं जाना चाहेगा। दोस्तों बस या ट्रेन में यात्रा करते समय आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों बस या ट्रेन में यात्रा करते समय सही सीट का चुनाव करें। इस स्थिति में आपको ये याद रखना है कि आप खिड़की की तरफ ना बैठें क्योंकि आप हमलावर द्वारा ब्लॉक किए जा सकते हैं। हमेशा सीटों के बीच वाले गलियारे की तरफ बैठने की कोशिश करें ताकि आप बिना किसी परेशानी के जरूरत पड़ने पर वहां से निकल सकें।
दोस्तों क्या करें यदि कोई आपको बार बार गंदे या अश्लील कॉल कर रहा है? दोस्तों अगर कोई आपको बार बार अश्लील और गंदे कॉल करता है तो कॉल करने वाले से बात ना करें और उसके नंबर को ब्लॉक कर दें। यदि फिर भी उसकी कॉल आती है तो दिन तारीख और टाइम याद रखें और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट कराएं। दोस्तों इसके अलावा भी कई ऐसी टिप्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके आसपास का माहौल अनसेफ है तो बिना समय गवाए वहाँ से निकल जाइए। किसी भी छेड़ाखानी या बदतमीजी को हल्के में ना लें, जोर जोर से चिल्लाकर उसका विरोध करें। हो सके तो लेट नाइट ट्रैवल ना करें और अगर जाना भी पड़ रहा है तो पैसेंजर से भरी बस में जाएं, ये नहीं कि आप खाली बस में जा रहे हो। रात में टू व्हीलर पर हेलमेट लगाना ना भूलें और किसी भी सूरत में अपनी गाड़ी किसी अजनबी के लिए ना रोकें, और वक्त पड़ने पर आपके हेलमेट को ही आप अपना हथियार बना लें। रात में कार को किसी भी सुनसान जगह पर पार्क ना करें और कार में बैठने से पहले हमेशा पीछे वाली सीट पर एक नज़र जरूर डालें और अंदर बैठते ही कार को तुरंत लॉक कर लें। रात में किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में अपनी कार को अनजान रास्ते पर ना ले जाएं। फोन को हाथों की जगह पॉकेट में रखें, जिससे इमरजेंसी में आपको फोन जल्दी से निकाल सकते हैं। फोन पे हमेशा एप्लीकेशंस, इमरजेंसी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके रखें, जिससे पुलिस को संपर्क करने में आसानी रहे। किसी के पीछे किया जाने पर तुरंत भीड़भाड़ वाली जगह पर पहुंच जाएं और चिल्लाने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। दोस्तों मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और माताएं बहनें जो हमारे देश में हैं उनको इन सेफ्टी टिप्स के बारे में पता चले और वो इसका लाभ ले सकें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बताए हुए सेफ्टी टिप्स को यूज़ करें और उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।